दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुछ अरब एक यहूदी आलिम के पास गए और उनसे कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कौन सा सवाल किया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का पता चल सके। इसके जवाब में यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन सवाल पूछने का कहा। उनमें से एक सवाल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबे काफ के बारे में पूछें। लिहाजा अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में इसका जवाब सूरह काफ में मुकम्मल वाज़े करके फरमा दिया। नाज़रीन, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको इस वाक़े के मुतल्लिक आगाह करेंगे। नाज़रीन, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जिसमें उनको अल्लाह पाक ने आज के दौर के फलस्तीन के इलाके में तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका उस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था। ये बुत परस्त लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत काम कर रहा था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ हुकूमत शुरू की तो रोमी लोग आपके मुखालिफ हो गए और आपको गिरफ्तार करके सूली पे लटकाना चाहा, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से आपको जिंदा ऊपर उठा लिया गया। इस वाके के कुछ अरसे बाद रोमी लोगों ने यहूदी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन वहां के सदर ने गुस्से में आकर फलस्तीन और यरूशलेम पर हमला कर दिया और उसे मुकम्मल तबाह कर दिया, हत्ता के बैतुल मक्दस भी तबाह हो गया। इस दौरान उसने 1.5 लाख यहूदियों को भी कत्ल कर दिया। जो बचे खुचे यहूदी यहां रह गए थे वो जान बचाकर फलस्तीन से निकल गए और इस तरह ईसाई लोग जो हजरत ईसा अलैहि सलाम को मानने वाले थे उनके पैरोकार थे, सिर्फ वो फलस्तीन में बाकी रह गए। उस जमाने में दकियानूसी बादशाह की हुकूमत थी और वो बुतप्रस्त था, लिहाजा उसकी हुकूमत में मौजूद ईसाई लोगों पर उसने मजालिम ढाने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि उस वक्त के हजरत ईसा अलैहि सलाम के मानने वाले चंद नौजवानों और हवारियों को उसने अपने दरबार में बुला लिया और कहा, मैं तुम्हें चंद दिनों की मोहलत देता हूँ कि तुम लोग अपने नए दीन यानी ईसाइयत से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगा। नाज़रीन ग्रामी, ये हजरत ईसा अलैहि सलाम के पैरोकार लोग दरअसल असहाबे काफ थे, जिनका जिक्र तफसील से कुरान मजीद की सूरह काफ में मौजूद है। उन्होंने जब ये धमकी सुनी तो शदीद परेशान हो गए, क्योंकि वो बादशाह से लड़ने की ताकत नहीं रखते थे और ना इस शहर में रहकर ईसाई तालीमात जारी रख सकते थे, वरना दकियानूस बादशाह उनको कत्ल करा देता। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया और अल्लाह पाक के भरोसे वो शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हमारे हक में कोई फैसला करेगा और वही हमारे लिए रास्ता बनाएगा। यहां तक कि वो एक पहाड़ पर पहुंच गए और उसकी गार में छुप गए। इसी तरह सोते सोते उन पर 300 साल का अरसा बीत गया। दकियानूस ने जब उनको तलाश कराया तो पता चला कि ये लोग उस गार में मौजूद हैं, तो वो बहुत गजबनाक हुआ और उसने हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार लगाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग यहीं गार में दम घुट कर मर जाए। लेकिन जिस शख्स के जिम्मे उसने ये काम लगाया वो बहुत नेक और ईमानदार था। उसने असहाबे काफ का नाम, तादाद और तारीख लिख कर एक तख्ती पर तांबे से कुंदा करवा कर उसे दीवार में चुन दिया और इसी तरह एक तख्ती महल में भी रखवा दी और कुछ अरसा बाद दकियानूस बादशाह भी मर गए। इसके बाद कई हुकूमतें आईं और गईं, यहां तक कि 300 ईस्वी में रोमन एम्पायर ने भी ईसाइयत इख्तियार कर ली। इसके बाद 446 ईस्वी में बैदरोज नामी बादशाह की हुकूमत आई, जो एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था जिसने 68 साल शान और शौकत से हुकूमत की। उसके दौरे हुकूमत में जब मजहबी फिरका बंदी उरूज पर थी और मरने के बाद जिंदा होने और आखिरत पर से यकीन उठता जा रहा था, तो अपनी कौम की ये हालत देखकर वो इंतहाई रंजीदा हुआ और अपने मकान में जाकर बंद हो गया और यहाँ बैठकर वो शिद्दत से अल्लाह से दुआ करने लगा कि कोई ऐसी निशानी अता कर कि मेरी कौम का ईमान फिर से ताजा हो जाए, उनको कयामत और मरने के बाद जिंदा होने का और एक अल्लाह के होने का यकीन हो जाए। अल्लाह ने उसकी ये दुआ कबूल कर ली। लिहाजा एक दिन एक चरवाहा जो अपनी बकरियां चराता हुआ उस गार के पास पहुंच गया, उस चरवाहे ने चंद लोगों के साथ मिलकर इस दीवार को गिरवा दिया और इस दीवार के गिरते ही उन लोगों पर ऐसा खौफो हिबत तारी हुआ कि वो वहां से भाग गए। इसके बाद वो असहाबे काफ नींद से बेदार हुए और एक दूसरे से सलामो कलाम में मशगूल हो गए। इसके बाद जब उनको भूख लगी तो उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि तुम बाजार जाकर निहायत खामोशी से खाना लेकर आ जाओ और जाकर ये मालूम करो कि दकियानूस हमारे बारे में क्या इरादा रखता है। जब उनका साथी बाजार पहुंचा तो देखकर बहुत हैरान हुआ
कि यहाँ तो इस्लाम का बोलबाला हो चुका है। हत्ता के लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहि सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं और उनकी तालीमात पर अमल भी हो रहा है। इसी कश्मकश में वो एक खाने की दुकान में गया और खाने के बदले उसने एक दकियानूसी जमाने का सिक्का दिया जो कि 300 साल पुराना था और बंद हो चुका था। हत्ता कि उसे कोई पहचानने वाला भी नहीं रहा था। सिक्का देखकर दुकानदार को लगा कि शायद इस शख्स के हाथ कोई पुराना खजाना लगा है। उसको उस पर शक हुआ, चुनांचे उसने उसे सिपाहियों के हवाले कर दिया ताकि वो उससे खजाने के बारे में पूछताछ करे कि बताओ वो खजाना कहाँ छुपा रखा है। उसने कहा, मेरे पास कोई सिक्का नहीं, ये हमारा रुपया है। सिपाहियों ने कहा, हम कैसे मान लें क्योंकि ये सिक्का 300 साल पुराना है और तुम लोग अभी जवान हो, लिहाजा सच सच बताओ कि मामला आखिर क्या है ताकि इसका कोई हल निकाला जा सके। जवाब में उसने कहा, पहले ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। सिपाहियों ने कहा कि ऐसा कोई बादशाह रूए जमीन पर मौजूद नहीं, लेकिन हाँ आज से सैकड़ों साल पहले इस नाम से एक बेईमान बादशाह गुजरा था। ये सुनकर वो हैरानो शिश्तर रह गया और कहा, अभी कल ही तो हम इसके शर से बचने के लिए भागे थे और मैं और मेरे साथी इस गार में छुप गए थे, जबकि अभी भी मेरे कुछ साथी गार में मौजूद हैं। तुम लोग खुद जाकर क्यों नहीं उनको देख लेते। जब सिपाही और शहर के लोग कसीर तादाद में वहां पहुंचे तो गार वाले पहले ही अपने दोस्त के इंतजार में थे कि शायद बादशाह ने उसको ना पकड़ लिया हो। जब शहर के लोग पहुंचे और शोरगुल सुनाई देने लगा तो गार वाले समझे कि शायद दकियानूसी फौज उनके दोस्त का पीछा करते हुए गार तक आन पहुंची है। चुनाचे वो अल्लाह के जिक्र अजकार में मसरूफ हो गए। सिपाहियों ने गार से वो तांबे का संदूक बरामद कर लिया। वहां से वो तांबे की तख्ती ली जिस पर असाबे काफ के नाम और ये लिखा हुआ था कि ये मोमनों की जमात है और दकियानूस बादशाह के खौफ से पनाह लेने के लिए यहाँ कयाम पजीर है और बादशाह ने यहाँ दीवार बना दी है। चुनाचे जो कोई यहाँ से दीवार हटाए वो असाबे काफ से उनका हाल मालूम कर ली। सिपाही हैरान रह गए और जब कुछ समझ ना आया तो अपने हाकिम वक्त बैदरोज को इतला दी। उसने जब ये बात सुनी तो शहर के बड़े दीनदार लोगों को लेकर वहां पहुंच गया। असाबे काफ ने गार से बाहर आकर बादशाह को सारा माजरा बयान किया। बैदरोज ने सजदा शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह, तूने मेरी दुआ कबूल की और ऐसी निशानी दिखा दी कि इंसान मौत के बाद जिंदा होने पर यकीन जरूर करेगा। इसके बाद गार वालों ने बैदरोज को दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हारी बादशाही में बरकत दे और दोबारा उसी गार में चले गए और वहां जाकर दोबारा सो गए। अल्लाह ताला ने उसी नींद की हालत में उनको मौत दे दी। बादशाह ने सहल की लकड़ी का संदूक बनाकर उनकी लाशों को उसमें दफना दी और गार के बाहर तख्ती भी लगवा दी और सालाना उर्स मुकर्रर किया जहां लोग गार वालों की जियारत के लिए आया करते थे। गार वालों की तादाद में बहुत सी राय पाई जाती है। अब्दुल्ला बिन काब फरमाते हैं कि ये 7 थे जबकि 8वां उनका कुत्ता था। सोचने की बात यह है कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। गार वालों पे वक्त क्यों असरअंदाज नहीं हुआ, ना ही उनके खदोखाल पर कोई तब्दीली वाके हुई। साइंसी तौर पर यह तब मुमकिन है जब गार का ग्रेविटेशनल फील्ड बाहर से कम हो, तभी उनका वक्त रुक गया होगा और आसपास का चलता रहा, लेकिन एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के होते हुए ऐसा कम ही मुमकिन है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं।